अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब हम इस मोटर की फिटिंग करेंगे और फिटिंग के लिए ये इसकी फ्रंट प्लेट है इस मोटर की और उसके बाद हम इसकी बैक प्लेट और रोटर लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये इसका फ्रंट वाला जो है प्लेट है और ये इसका बैक कवर और रोटर और ये इसका क्लच प्लेट है और ये गवर्नर आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये इसका गवर्नर है, ये इस तरह से इसका वर्क होता है। जब ये मोटर बंद होती है तो ये इस तरह से चिपक जाता है और जब मोटर ऑन होती है तो ये इस तरह से कट ऑफ होकर हट जाता है। तो अब हम इसकी कनेक्शन करेंगे और इस रोटर को आपने बहुत ही ध्यान से इसके अंदर डालना है। उसके बाद आपने ये जो आपको नज़र आ रही है ये इसके स्क्रू वगैरह, इसके साथ आपने इसको टाइट करना है। वायर को ये एक को इस पर कर देना है, दूसरी को इस पर कर देना है और इस तरह से आपने इसके कनेक्शन करने हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इन वायर को इस तरह से आपस में लपेट देना है क्लास की मदद से। उसके बाद आपने ये जो इस क्लच प्लेट का जो टर्मिनल है इसके साथ आपने इसे इस तरह से अटैच कर लेना है और इसको इस तरह से इसके साथ अटैच कर देना है। उसके बाद आपने इस तरह से आपने एक वाशर ले लेनी है, वो इसके ऊपर इस तरह से रख कर उसके ऊपर ये जो इसका नट है वो लगा देना है और इसको टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमने अब इस टर्मिनल पे इस वायर को लगा कर टाइट कर दी है और सेम इसी तरह दूसरे को भी आपने लगा कर टाइट करना है। तो फ्रेंड्स, अब हमने दूसरी वायर को भी टाइट कर दी है। ये आप देख सकते हैं, ये और ये ऊपर वाली वायर, ये दोनों वायर क्लच के प्लेट के साथ अटैच हो चुकी हैं और अब हम इसको बैक कवर को बराबर करके इसके साथ तो या फ्रेंड्स बैक कवर लगाने के बाद अब गाड़ी आ गई फ्रंट वाले कवर की और अब हम इसको फ्रंट वाले कवर को भी लगा देंगे और इसे लकड़ी की गुटकी की मदद से आपने इस तरह से चौक देनी है। तो फ्रेंड्स, बैक प्लेट लगाने के बाद ये कैपेसिटर को हमने वायर लगा कर और यहाँ स्लीव चढ़ा दी और अब इसको टाइट की है। उसके बाद हम ये इसको स्लीव को चढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये अब जो रेड वाली दो वायर है ये हमारी रनिंग की है और ये दो जो ब्लैक वाली है स्टार्टिंग की है। तो एक को स्टार्टिंग की ड्रैक हम यहाँ कैपेसिटर में लेके आए और एक हम ड्रैक क्लच में लेके गए और एक उधर से उधर क्लच में हम उसको कनेक्ट करने के लिए हम वायर लेके गए हुए थे। तो ये अब हमारी हो गई। तो अब हम आ जाएंगे टेबल पर इसको चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी शार्ट चेक कर लेंगे ये गाड़ी के साथ बुला कर ये। तो ये हमने अब इसे लगा दी तो ये हमारी मोटर शार्ट नहीं है। तो अब हम इसको डायरेक्ट चला कर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एम्पियर मीटर हमने 20 एम्पियर पे इसको सेलेक्ट कर दिया है और ये एम्पियर मीटर हमारा ऑन है और ये मोटर अब हम मैं इसे ऑन करने लगा हूँ। तो ये इसका लोड है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए
काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाएं।